मिनट थोड़ा बाजू दूर हो जाओ। अरे यही तो सर, दो मिनट रुक जाओ, एक दो मिनट, एक सर सहायता का मसला है, लोग काफी परेशान है ड्रेनेज के पानी से और तालाब के पानी से, पूरा उनके घरों में घुस रहा है, क्या कहेंगे, कब तक काम होगा? देखिए मैं तो पीडब्ल्यूडी के जो इश्यूज है उसको ध्यान जरूर दूंगा। जहाँ सवाल नगर पालिका के क्षेत्र का, मैं पालक मंत्री से बात कर रहा हूँ। पालक मंत्री साहब, ये रोड जो है तो इम्तियाज अलील साहब ने लेटर दिए बोल रहे हैं, मगर कोई जमीन नहीं है, तो काम नहीं। साहब ये रोड का भी हमारा 8 किलोमीटर रोड बाकी है, तुम्हारे जो रास्ते पीडब्ल्यूडी के तहत ये बाकी के मसले तो महापालिका के विषय है, मैं पालक मंत्री से जरूर बात करूँ। नहीं ये रोड तुम्हारी तरफ से 100 फीट रोड है। अभी तक जो तो हमारे अधिकारी को हला के देख ली, मगर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं, कोई पदाधिकारी यहाँ आने के लिए भी तैयार नहीं। यहाँ तक के स्ट्रीट लाइट भी नहीं है ये बस्ती के अंदर। 15 से 20 साल ये बस्ती बन के हो गई, मगर यहाँ कोई काम करने नहीं, सिर्फ राजनीति करने को आ जाते अपने अपने तरीके से वोट लेने के लिए। कितने काम के लिए अशोक चौहान साहब ने क्लियर बोले कि मैं पालक मंत्री से इसके बारे में चर्चा करूँगा। हमारा काम था कि हम हमारे हर अधिकारी को दे रहे, अशोक चौहान साहब को दिए, तुम्हारे खासदार साहब को दिए, तुम्हारे आमदार साहब को दिए, और माजी आमदार जो है MLC का अंबादास जानवे जयसवाल साहब को दिए, मगर ये लोगों कोई काम के लिए ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ऐसा समझ रहे कि ये बस्ती कोई है कि नहीं शहर में, इसका इनको कोई आइडिया ही नहीं। 2 महीने से कंटिन्यू ये काम में लगे हुआ है, हर पार्टी वाले सिर्फ ये बोले कि ये पार्टी का विरोधी है, कोई सत्ता में है पार्टी वो बोलता है कि हमारा विरोध कर रही है, MIM वाले बोलते हैं कि हमारा विरोध कर रहे हैं। अरे हम विरोध नहीं कर रहे, हम काम लेके आ रहे तुम्हारे पास, तुम्हारा मकसद है काम को अंजाम देना। शेख नाजिम, शेख पाशा।